हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीथ फूड ईट फूड। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ राजमा उड़द दाल। ना, कंफ्यूज मत होइएगा, ये दाल मखनी नहीं है, ये दाल मखनी से बिल्कुल अलग है। ये है हमारी राजमा और उड़द दाल। इंग्रेडिएंट्स आपको लगेगा हाँ कि सेम है, बट ये दाल मखनी नहीं है, ये राजमा उड़द दाल है। बिल्कुल अलग तरीके से बनाई गई है और ये बनने पर बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट बनती है। अगर आप बनाएंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप और आपकी फैमिली बिल्कुल मस्त उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे। तो आइए, चलिए बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं कैसे बनानी है अपनी राजमा उड़द दाल। तो राजमा उड़द बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे राजमा और उड़द। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी दाल उड़द की ये वाली और आधा कटोरी राजमा लिया था, जिसे मैंने 2 घंटे के लिए कम से कम ल्यूक वॉर्म वाटर में, बिल्कुल खौलता हुआ बोलता हुआ पानी मत डालिएगा, ल्यूक वॉर्म वाटर में मैंने इसको सोख करके रखा था 2 घंटे। और अभी हमारे राजमा दाल जैसे दिख रहा है, ये बिल्कुल रेडी है बनाने के लिए। तो अब हम इससे बनाएंगे अपनी राजमा उड़द दाल। तो अब हम अपने इस राजमा उड़द को कुकर में लेंगे, कुकर में डाल देंगे हम सारा, और फिर हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। ये दाल बहुत ही सिंपल है, लगता आपको लगेगा शायद ऐसा कि ये ना दाल मखनी जैसा कुछ बन रहा है, बट ट्रस्ट मी ये दाल मखनी नहीं है, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा और बहुत बढ़िया बनती है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं इसमें, मैंने अपने कुकर में राजमा उड़द डाल दिया, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। यहाँ मैंने ऐड किया होगा लगभग 4 कप पानी। अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ मेरे पास कुछ मैंने ग्रीन चिलीज चॉप करके रखी थी, यहाँ मैंने लगभग 2 हरी मिर्च ली हैं क्योंकि ये काफ़ी तेज़ मिर्च है। अगर आपके पास कोई ऐसी मिर्च है जो इतनी तेज़ नहीं है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं कि जैसा भी तीखा खाना आपको पसंद हो। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नमक, जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर मैंने ना इसमें यहाँ ये ज़रा सा मैंने ये सोडा लिया है, बेकिंग सोडा है ये, तो आप इसमें ये डालेंगे जिससे ना राजमा या दाल कुक होने में कोई कसर ना रह जाए और अच्छे से ये कुक हो जाए। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको कुकर का ढक्कन लगा करके इसको हम पकने के लिए रख देंगे। और इसमें विसल नहीं लानी है हमें, जब इसमें अच्छे से स्टीम आ जाए तो इसको सिम पे करके हम 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। सो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, हमें 12 मिनट के लिए लगभग मैंने रखा था। यहाँ पे मेरी दाल तो हो गई है बट राजमा अभी थोड़ा सा हार्ड है, तो अभी हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए ही और रख देंगे। और अभी भी इसमें आप जैसे इसमें स्टीम आ जाए इसको फिर से लो फ्लेम पे कर करके आप इसे 10 मिनट के लिए रख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी जैसे कि हमने 10 मिनट रख के रखी थी इसको, अब 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ मेरा राजमा और दाल ये दोनों ही बिल्कुल बढ़िया से पक के तैयार हो गए हैं। बस हमारी दाल तो रेडी है, अब हमें इसमें एक बढ़िया सा तड़का लगाना है, एक फ्लेवर ऐड करना है, जिसके बाद ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो आइए इसके लिए तैयार करते हैं बढ़िया सा तड़का। तो तड़के के लिए हमने यहाँ पर लिया है लगभग 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। आप, मैं बेसिकली घी ऊपर से डाल के खाना पसंद करती हूँ, वरना आप घी में भी इसे फ्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसमें डालूंगी, ये मेरे पास 2 मीडियम प्याज थे उसको मैंने काटा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी प्याज हो गई है, अब मैं इसमें ना थोड़ी सी ये हींग डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, मिक्स कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 मीडियम साइज चॉप टमेटोज, अब वो हम इसमें ऐड कर देंगे और हमें इसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा कुक करना है जब तक कि टमाटर जो है ना थोड़ा सा पक ना जाए। इसको फ्लेम धीमा कर दीजिएगा और इसको पकने तक के लिए कुक कर दीजिएगा, फिर हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे जो टमाटर थे वो बिल्कुल मशी मशी से हो गए हैं और अब हम इस स्टेज पे ये मसाले ऐड करेंगे। देखिएगा ये बिल्कुल बढ़िया से कुक हो गए, कहीं पे भी कोई भी टमाटर कच्चा नहीं है। इसको धीमी ही फ्लेम पे कुक करेगा वरना जलने का डर रहेगा, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये आप अगर आपको तीखा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा भी आप डाल सकते हो, यहाँ पर तो मैंने ये 1.5 टीस्पून लिया है। और ये है मेरा गर्म मसाला, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा बढ़िया सा बिल्कुल तड़का जो है ना रेडी हो गया है दाल में ऐड करने के लिए, बस अब देर किस बात की, चलिए ऐड करते हैं इसको दाल में।
ये देखिए बढ़िया हमारी दाल रेडी है। अब इसमें बढ़िया सा तड़का जाएगा। तो देखा ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल दाल मखनी जैसी रेसिपी नहीं थी, बिल्कुल अलग थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ एक बार बनाइएगा ज़रूर, आपकी फैमिली में आपको सबको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए हम इसको बढ़िया से एक बार मिक्स कर देंगे। देखिए ना कितनी बढ़िया लग रही, देखने में स्मेल भी इतनी अच्छी आ रही, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। ये देखिए अब ये रेडी हो गई है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे कि जो हमने तड़का लगाया है वो बढ़िया से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी बढ़िया सी प्लेटिंग करते हैं, तो निकाल लेते हैं अपने सर्विंग बोल में। ये पूरी फैमिली ना वेट कर रही है लंच का। ये वाली दाल बनती है ना तो सबको भूख भी थोड़ी जल्दी लगाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने सर्विंग बोल में दाल निकाल दी। अब इसमें बढ़िया सा हम घी ऐड करेंगे, घी या मक्खन आपको जो पसंद हो आप वो डाल सकते हो। तो अच्छे से घी ऐड करेंगे इसमें। वैसे ये क्रीम तो ऑप्शनल होती है, आप डालना चाहो डालो, नहीं डालना चाहो मत डालो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको डालना ही है। और मेरा मन कर रहा था, मुझे अच्छी लगती है ऊपर से सर्व करते टाइम, तो मैं डाल रही हूँ। और बेसिकली ये क्रीम भी मैंने जो अपने घरों में जो नॉर्मल हम लोग मिल्क मंगाते हैं ना उसमें निकलती है, वही वाली क्रीम है, मैंने कोई बाहर से नहीं मंगाई है। तो आप वही आराम से ऐड कर सकते हो। और फिर हम इसमें थोड़ा सा धनिया डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी राजमा उड़द दाल बिल्कुल बनके तैयार है। इसको आप राइस के साथ, चपाती के साथ, किसी चीज़ के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसे प्लीज़ 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 बनाइएगा ज़रूर। अगर बनाते हैं आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 अगेन इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ब्रीथ फूड ईट फूड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।